गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। माधव ब्लॉग्स में वेलकम है। आज की जो वीडियो है प्लेसेंटा के ऊपर होने वाली है। व्हाट इज़ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है और इसका क्या वर्क है, ये कैसे काम करता है और हेल्दी प्लेसेंटा कितना ज़रूरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका क्या काम होता है और ये प्रेगनेंसी हेल्दी होने के लिए इसका क्या रोल है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो आप लोगों के लिए जो भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती। व्हाट इज़ दी प्लेसेंटा एंड इट्स फंक्शन, आज का जो क्वेश्चन है स्पेशली प्लेसेंटा के ऊपर है। बने रहिए वीडियो में एंड तक, जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और फोर एक्सपीरियंस ऑफ माई प्रेगनेंसीज एंड फोर प्लेसेंटा एक्सपीरियंस ऑफ माई जर्नी वो भी शेयर करूँगी। और मेरे चैनल पे 600 प्लस वीडियोस आर अवेलेबल विद प्रूफ, इन माई फोर प्रेगनेंसीज वीडियोस आर अवेलेबल देयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आंसर को। द प्लेसेंटा इज ए टेम्पररी ऑर्गन दैट फॉर्म इन यूअर यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी आपके जो टेम्पररी ऑर्गन होता है ये एक पार्ट होता है टेम्पररली, प्रेगनेंसी के टाइम में ही रहता है ये हमारे बच्चेदानी के अंदर एक फॉर्म है, जो ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ये भी ग्रो होता है, उसके अंदर प्लेसेंटा के अंदर जो है बेबी होता है और ये प्लेसेंटा कनेक्ट होता है हमारी आंवल से, जो इसे कॉर्ड कहा जाता है। आगे जानेंगे और इसका वर्क जानते हैं। इट अटैच टू यूअर यूट्राइन वॉल एंड दी प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू यूअर बेबी थ्रू आउट दी अम्बेलिकल कॉर्ड। तो देखा आपने, अम्बेलिकल कॉर्ड जिसको कहा जाता है, नाभि को कहा जाता है, उसके ज़रिए बच्चे तक ये माँ की कॉर्ड से बेबी की कॉर्ड तक कनेक्ट करता है और सारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं जैसे कि न्यूट्रिशन वैल्यू, ऑक्सीजन वैल्यू, अच्छी चीज़ें बेबी तक पहुंचाता है और जो भी बैड जो अंदर बुरी चीज़ होती है उसको बाहर सप्लाई करता है। इसका ये मेन रोल होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट के हेल्दी प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर्टन कंडीशंस ऑफ द प्लेसेंटा कैन कॉज ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, यानी अगर प्लेसेंटा में कोई डिफेक्ट है या प्रॉब्लम है तो आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन लेती है, ज़्यादा नींद नहीं करती, प्रॉपर खाना नहीं खाती, तो प्लेसेंटा गल जाने के भी ऐसे होता है, ऐसा सुना है मैंने। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि प्लेसेंटा गल गया? बेबी डिलीवर होने के कुछ सेकंड बाद ही प्लेसेंटा डिलीवर होता है, तो मैंने तो नहीं देखा, जस्ट मैंने सुना था अपने ओल्ड वाइफ से कि प्लेसेंटा पीस पीस में डिलीवर हुआ था, वन पीस में नहीं डिलीवर हुआ था। ये ओल्ड वाइफ्स का कहना है और उनका एक्सपीरियंस रहा है, ज़्यादा टेंशन लेने से प्लेसेंटा है जो वन पीस में बाहर नहीं आता है, पीस पीस में आता। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेंशन ना लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी बातें सोचें, अपने बेबी से बात किया करें, जब वो मूवमेंट करता है तो आप उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, बात करें, खुश रहें, हर एक लम्हे को इंजॉय करें। ये पीरियड जो है फिर से रिपीट नहीं होता। हाँ, बच्चे हो सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा, मगर फर्स्ट बेबी का जो ये प्रेगनेंसी का टाइम एक बार डिलीवर हो गया तो हम इसे रिपीट नहीं कर सकते, बिकॉज हर प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है वो यूनिक होती है। आप ऐसा एक्सपीरियंस करें और खुश रहने की कोशिश करें। अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत, एक नेचुरली चीज़ आपको दी है, तो उसको भरपूर इंजॉय करें, एक अच्छी डाइट फॉलो करें, बेबी को एक अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश करें। आप चाहे तो उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी एंड हेल्दी, स्टे सेफ।